नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। दोस्तों आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन मैं आपको करवा चुका हूं और आपने उसमें देखा भी होगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन उसमें से किए थे और मैंने आपको क्या क्या मेथड और क्या क्या तरीके बताए थे, वो तरीके आज इसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, आधा देखकर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आपसे वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर आपको लगेगा, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर ये लगेगा कि हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। आप और भी जगह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊँगा ना फ्रेंड्स, आप भूलेंगे नहीं। आप बार बार पढ़ते होंगे, बार बार भूल जाते होंगे, लेकिन ये मेथड मैं बताऊँगा तो आप भूलेंगे नहीं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपने कई बार देखा होगा एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही आज मैंने सभी लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और कई लोग तो इसका आंसर ही रट लेते हैं, तो हमें आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी और यहाँ फ्रेंड्स जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 में है उत्तरी गोलार्ध में, यह 2:3 में है दक्षिणी गोलार्ध में, अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स रटना नहीं है, क्योंकि आजकल वैल्यू चेंज भी कर सकता है, और आजकल आपने वो भी देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है इसकी जगह पे कि एक पेंटिंग में कलर ऐसे रेशो में यूज़ किया गया है, यदि उसके आधे हिस्से में इस रेशो में है तो आधे हिस्से में किस रेशो में होगा, यही क्वेश्चन होता है एक तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो उसने कहा है कि पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात 1:2 है। अगर हम इसको 3 मान लेते हैं, 2 और 1 3 है, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारी 3 है, तो उसने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये साउथन हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो उसने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 में होगा, तो दक्षिणी में बताइए। फ्रेंड देखिए, अगर हमने पूरी पृथ्वी 3 मानी थी, जब उसको आधा आधा करेंगे, आधा आधा बांटेंगे उत्तरी और दक्षिणी में, तो ये 1.5 और 1.5 होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम पॉइंटों में लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन में हमको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी पृथ्वी को 30 मान लेंगे, ठीक है। देखिए अगर 30 मानेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ऐसा करने से हमारी रेशियो भी फ्रेंड्स, जो हमारा रेशियो है वो भी नहीं बिगड़ेगा और हमारा कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमने देखा, जब पूरी पृथ्वी 30 है तो जब हम आधा आधा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15:15 हो जाएगी, ठीक है। 1.55 ना होकर 3 से 30 का 15:15 हो जाएगी। तो जब 15 में से ये 2 है, ये 3 है, तो अगर ये 15 है, यानी कि अगर ये टोटल 5:15 के बराबर है, तो 2:00 कितने के बराबर होगा, 6 के। 3:00 कितने के बराबर होगा, 9 के। यानी कि पृथ्वी पर जल और इसका जो है वो 6 और 9 है। अब देखिए, अब पूरी पर जो जल था, वो पूरी पर जो भूमि थी हमारी, वो 10 थी, यहाँ 10 थी ना। तो 10 में से उत्तरी गोलार्ध में अगर 6 है, तो दक्षिणी में कितनी बची, 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूरी पृथ्वी पर जो जल था वो 20 था, और उत्तरी गोलार्ध में वो 9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा, दक्षिणी गोलार्ध में 11 बचा। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, 4:11। समझ आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन है कुछ नहीं, देखिए आपको जैसे मैंने बताया, बस ऐसे मेथड आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में भी आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें देखिए कहा गया कि किसी वस्तु बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है, तथा बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि सी, फ्रेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, यदि सी ने 273 रुपये, तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो देखने में तो परसेंटेज का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम आपको इसको रेशो मेथड से बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो से, कि हम रेशो और परसेंटेज से पूरा अर्थमेटिक सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर चैप्टर हमारे इन्हीं दो चैप्टरों पर बेस होते हैं। तो आप देखिए कि ये इसमें कहा गया है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5 होती है। अब उसको मुनाफा लेकर बेच रहा है, तो हमको ऐसा साइन लगा लेना है। फिर उसने कहा कि बी सी को 25% मुनाफा लेकर बेच देता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/4 होती है, तो ऐसे हो जाएगा। यदि सी, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं था, मैं बताता हूँ, यदि सी इसके लिए 273 रुपये पे करता है, तो ए ने कितने रुपए में वो
ए ने कितने रुपए में ख़रीदा था, ये क्वेश्चन है कि ए बताइए कितने रुपए में इन्हें ख़रीदा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पहले और लास्ट वाले का हमको रेशियो निकालना होता तो मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है। अब उस क्वेश्चन का, उस मेथड का यूज़ इस क्वेश्चन में होगा। देखिए, पाँच से एक का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कितने का हो गया होगा, पाँच की वस्तु उसने छः में बेची होगी। फिर उसने कहा कि चार से 25% का मुनाफा यानी 4 से 5 पर गया होगा ये रेशियो। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, अब उसने हमें सी की वैल्यू दी है यानी कि हमें लास्ट वाले की वैल्यू दी है और पहले की पूछा है। तो मैंने आपको पहले पार्ट में जो मैंने आपको इस रेशियो का पहला पार्ट बताया था उसमें बताया था कि अगर पहला और लास्ट दिया हो तो हमको ऐसे करना है। तो आपको जो कटता है काट देना है, इसे यहाँ काट देना है, ये 2 से कट जाएगा, 2 टू द 4, ये 2 3 से कट जाएगा, यानी कि हमारा 2 ए और सी का रेशियो आ गया 2:3। अब उसने कहा कि ए ने 273 रुपये पे किए हैं, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 91 गुना ज़्यादा है। तो उसने ए का पूछा है, तो ए भी 2 ना होकर 91 गुना ज़्यादा कितने रुपये हो जाएगा, 182 रुपये, 182 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा फ्रेंड्स, ये देखने में परसेंटेज का क्वेश्चन है लेकिन हमने रेशियो मेथड से कर दिया इसको, बहुत ही इजी तरीके से कर लिया है। आइए मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ए किसी वस्तु को बी को 14 सही 2/7% लाभ में। अब हमें पता है कि 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। उसके बाद उसने कहा है कि उसके बाद उसने कहा कि बी सी को 25% हानि पर, 25% हानि मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तथा सी डी को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, अब इसको कर दीजिए। ठीक है, देखिए 7 से 1 पर लाभ होगा तो यानी कि 7 7 से वो 8 हो गया, फिर 4 4 पर 1 की हानि होगी यानी कि 4 से 3 हो गया, फिर 6 पर 1 का लाभ होगा यानी कि 6 से 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको उसने फ्रेंड्स कहा है कि डी ने इतना भुगतान किया यानी कि हमें लास्ट वाले की वैल्यू दी हुई है और उसने फर्स्ट वाले की पूछी है। तो हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं इसको, जो कटता है काट लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 2 द 8 और 3 2 द 6 ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 1:1 आ गया, 1:1 हमारा आ गया। तो अब उसने कहा कि जो ये डी डी आया है ना, ये रेशियो डी का आया है, तो उसने कहा कि डी एक नहीं है 18,004। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट देखिएगा आप यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर पीछे से कुछ आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमने देखा था कि फ्रेंड्स हमारा रेशियो का वैल्यू 1:1 आ गया है, यानी कि ए और डी का रेशियो 1:1 आ गया है, तो ये 1 ना होकर उसने बोला था कि इतने गुना ज़्यादा है, 369, तो ए ने भी इतना ही पे किया होगा क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर है, तो ये भी 1:8 4 3 6 9 ही होगा, ये हमारा फ्रेंड्स आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि रेशियो बराबर ही था दोनों का, तो दोनों ने सेम ही पे किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक गाँव की जनसंख्या पहले साल में 20% की वृद्धि होती है, तो हमें पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो उसने कहा कि दूसरे साल में 25% की कमी होती है, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तीसरे साल में 20% की कमी यानी कि 1/5 से कमी होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, देखने में हमको ये कौन सा क्वेश्चन लग रहा है परसेंटेज का, लेकिन हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, फिर उसने कहा कि 3 साल बाद गाँव की जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल पहले गाँव की जनसंख्या क्या थी, तो हम कर सकते हैं पहले साल 5 से 6 हो गई यानी कि 5 से 6 हो गई, दूसरे साल 4 से 1 कम हुआ तो 3 हो गई। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 5 से 1 की कमी हो गई यानी कि 5 से 4 हो गई, तो हम जो करता है काट लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, अब कुछ नहीं कट रहा है यानी कि ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25:18। तो उसने कहा है कि जो हमारा फ्रेंड्स ये 3 साल बाद की वैल्यू आ गई है, ये 18 ना होकर 18,000 है, यानी कि इससे 1,000 × 3 0 लगा देंगे, तो यहाँ ये भी हमारा 25 ना होकर 3 0 यानी कि 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा, 25,000 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 3 साल पहले उस गांव की जनसंख्या 25,000 थी जो अब 18,000 रह गई है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है और उनकी प्रत्येक की बचत 200 रुपये है, तो ए बी की आय ज्ञात करिए। अब हम फ्रेंड्स हमको पता है कि उनकी इनकम जो है वो 3:4 में के पार्ट में है और उनका यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो 2:3 पे है। अब देखिए उसने कहा कि दोनों की बचत 200 रुपये है। अब देखिए यहाँ अगर ये 3 रुपये कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो सेव कितने कर रहा है, एक एक यानी कि एक कर रहा है और बी भी एक ही कर रहा है, यानी कि दोनों का बराबर आ रहा है और उसने कहा भी है कि दोनों का 200 रुपये है, सेम ही है, यानी कि दोनों का यहाँ रेशो भी सेम आ रहा है
और उसमें जो वैल्यू दी है वो भी सेम है, यानी कि एक ना होकर 200 रुपये है इससे 200 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो उसने ए बी की आय पूछी है, तो ए की आय भी 3 ना होकर कितनी होगी, 200 गुना ज़्यादा 600 रुपये हो जाएगी। ए की आय भी कितनी हो जाएगी, 600 रुपये, और बी की आय भी कितनी हो जाएगी, 200 गुना ज़्यादा 800 रुपये हो जाएगी। ये हमारा फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ऐसे ही मेथड आपको याद रखना है, और आपको याद भी रहेगा, आपने बहुत सारे तरीक़ों से पहले भी किया होगा, लेकिन आपको वो मेथड याद नहीं रहते हैं, मुझे खुद पता है। तो लेकिन ये मेथड जो मैं आपको करवाता हूँ फ्रेंड्स, ये आपको याद रहता है। आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें भी दिया हुआ है कि देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिल्कुल है पहले जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, और स्टूडेंट अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। उसमें कहा है फ्रेंड्स कि एक वर्ष पहले और बी का आय का अनुपात 3:2 था। ए और बी के आय में बढ़ोतरी का अनुपात 2:3 और 3:4 है। तो फ्रेंड्स वहाँ हम कन्फ्यूज जाते हैं कि ये 2 रेशो क्यों दिए। उसने कहा है कि फ्रेंड्स ए और बी के आय में बढ़ोतरी का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो फ्रेंड्स जो 2:3 और 3:4 है, इसका मतलब है कि अगर ए की आय पहले 2 रही होती तो वो अब 3 हो जाती, ठीक है। और इसका मतलब है कि अगर बी की आय पहले 3 रही होती तो अब 4 हो जाती, यानी कि पहले बी की आय थी कितनी, 2, लेकिन उसने कहा कि अगर 3 होती तो अब 4 हो जाती, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब होता है। फिर उसने कहा कि दोनों के कुल आय का योग इतना है तो बी की आय ज्ञात करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है कि यहाँ ए और बी का रेशो हमको दिया हुआ है, ए और बी का रेशो 3:2 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसने कहा था कि जो आय में बढ़ोतरी है वो दो दो से, जो ए की आय की बढ़ोतरी है वो कैसे होती है, 2 से 3 हो जाती है, यानी कि अगर 2 से 3 हुई, अगर 1 होती तो कितनी हो जाती, 3/2 हो जाती, लेकिन ए की आय थी कितनी पहले, 3, तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे। फिर जो बी की आय में बढ़ोतरी हुई वो कहता है कि वो 3 से 4 हो जाती, तो अगर 1 होती तो कितनी हो जाती, अगर 1 होती तो 4/3 हो जाती, तो लेकिन पहले थी कितनी उसकी आय, पहले उसकी आय थी 2, तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स ए और बी का हम देखेंगे, ये आ जाएगा 9/2, ए का आ जाएगा 9/2 और बी का आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, मैं ये डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। आप ये जो ए 9/2 आ गया ए का, और बी का आ गया था हमारा 8/3, तो हम इसका रेशो ले लेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो देखिए 3, 9 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशो आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 27:16, ठीक है। तो अब उसने कहा कि दोनों की कुल आय का योग इतना था, यानी कि 27 और 16 का अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और 43, तो ये 43 है, लेकिन वो कह रहा है कि इनकी आय का टोटल जो है 21,500 है, इससे कितने गुना ज़्यादा है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे फ्रेंड्स ये है, ये 500 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 500 गुना ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो अब उसने पूछा है कि बी की आय क्या होता है, तो बी की आय भी 16 ना होकर 500 गुना ज़्यादा, 16 ना होकर इसे 500 गुना ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स, 8,000, ठीक है, 8,000 फ्रेंड्स हो जाएगी। फ्रेंड्स आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है वीडियो के पीछे, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तो आवाज़ थोड़ी आएगी फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। हम जल्दी जल्दी अपना ये क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं, आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी कहा गया है कि एक वर्ष पहले और ए और बी की आय का अनुपात 3:4 था, और पिछले वर्ष इस वर्ष की तनख्वाह के बीच अनुपात 4:2 के अनुपात में बढ़ोतरी होती है, तो यदि उनके वेतन का कुल योग इतना था फ्रेंड्स, तो एक ही वर्तमान का। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, तो आप क्या करिएगा, इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, होमवर्क में ट्राई करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही करिएगा, ठीक है। तो इजी इस तरीके से हो जाएगा, अगर नहीं आप कर पाएंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवा दूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।